पहले आ गया बर्गर और इसके ऊपर आ गया केचप और ये आ गया मायनीज। आहा भाई साहब। और इसके बाद आ गया रायता। आहा मिक्स हो गया। ये आ गया चिकन पीस। ये हो गई इसकी कटाई शुरू। ये सारा का सारा जो आप देख रहे हो ये एक बर्गर में अभी डालेगा भाई साहब। अब ये चेक करो। और ये आ गया कुछ स्पाइसी इसके ऊपर। हाँ। और ये इसके ऊपर आ गया स्पाइसी और इसके ऊपर फिर केचप आ गया और ये आ गया मायनीज। और इसके बाद ये दोबारा मिक्स हो गया भाई साहब। और ये आ गया चिकन। फूल भर गया भाई साहब। और ये आ गया सलाद। और सलाद के बाद फिर केचप। और ये आ गया घी। और फिर ये आ गया अंडा। और इसको आपस में अब मिक्स करेगा। और एक आ गया कुछ स्पाइसी और ये अंडा आ गया तवे के ऊपर नमक मिक्स करके। हाँ। भाई साहब। माशाल्लाह। अब दोबारा अपने साइड पे रख दिया। अब इसको यहाँ पे उठा के इस बर्गर के ऊपर रख देगा भाई साहब। और ये आ गया बर्गर दोबारा इसके ऊपर। और ये इसका लुक लगेगा भाई साहब। माशाल्लाह। और थोड़ा इसको गर्म करके फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। और ये इसकी कटाई एक कट लगा के। और ये आ गया दूसरा। हाँ। और इसको फिर उठा के यहाँ पे रख दिया भाई। माशाल्लाह। और इसके साथ साथ ये आ गया रायता। और इसके बाद ये आ गया केचप। और इसके बाद ये आ गया मायनीज। तो चलो ट्राई करते हैं। सो बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। सो बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि लोकेशन लोकेशन आज लोकेशन बता रहा हूँ। ये बिल्कुल मेन हांगू स्कूल नंबर 2 के इस साइड पे ये भाई बना रहा है यानी शाम के बाद। तो आप यहाँ पे जितने भी हांगू के लोग रहने वाले हैं तो यहाँ पे जरूर विजिट करें। तब तक के लिए इजाजत है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।